स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। हम लोग कर रहे हैं घटनाचक्र सीरीज, जिसमें कि पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में चैप्टर है बेरोजगारी, जिसमें कि यह है पार्ट फोर और यह फाइनल है। तो इसमें हम लोग घटनाचक्र कर रहे हैं, जिस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस होता है। घटनाचक्र सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है, जो कि सामने आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और भी इसमें कुछ बताया गया है जो आगे है, तो आप लोग के लिए एक ये लाया गया है टेस्ट सीरीज, जो कि ये तो पेड किया गया है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी और भी जितने भी स्टेट एग्जाम के हैं, अगर उसका टेस्ट देना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, देखिए टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं टेस्ट आरओ का भी, तो इस जो ये चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए इस पर एक दो टेस्ट कराया भी गया है, जैसे कि दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट है यूपीपीसीएस आरओ फ्री, जहाँ पे टेस्ट दिया गया है। हिस्ट्री का था आरओ का, जो कि प्रिया मैम के द्वारा बताया जा रहा है 2023 के लिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर जो नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज खरीदा गया है, लेकिन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जिसको अगर पे नहीं करना है तो वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़े, लगातार इसको वीडियो बनाया जाएगा। तो बने रहिए हम लोग के साथ ऐसे ही वीडियो इसको पाने के लिए। और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। तो देखिए यह चैप्टर है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। इसमें 150 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो आज हम लोग करेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 151 है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए है मनरेगा, आयुष्मान, मध्यान्ह भोजन योजना, राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। देखिए इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया सकता है, इससे हम लोग एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है योजना, और यहाँ पे मनरेगा, आयुष्मान, मध्यान्ह योजना। बजट 2019-20 है, 19-20 है और 20-21 है। तो मनरेगा में 60,000 है और 71,000 है 2019-20 में, और 2020-21 में 61,500। आयुष्मान में 6,500, 3,300, 6,400। मध्यान्ह भोजन में 11,000, 99, 11,000 और फिर राष्ट्रीय गंगा में सफाई में 750, 353 और 800 है। तो इस प्रकार देखिए ऐसे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा नहीं करता करता है तो क्या नहीं करता है? तो समावेशी प्रोत्साहन करता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक हर वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन गारंटी है काम का। तो देखिए यही नहीं करता है, और बाकी ये ग्रामीण परिवार जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि है, ये सही है। मजदूरी गारंटी देता है, रोजगार गारंटी, तो ऑप्शन डी भी सही। तो ऑप्शन बी जो है यही गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो गलत है तो यही सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, दूसरा है श्रमिक सौदेबाजी शक्ति में कमी, और तीसरा है शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो देखिए एक और तीन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो ऑप्शन ए है आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये नहीं है। और चौथा है असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना अधिनियम, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है यही गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? तो ऑप्शन सी है लुक ईस्ट नीति। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1/12/1997 से लागू हुई उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये शामिल नहीं है, बाकी नेहरू रोजगार शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री समेकित शहरी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सभी है। ऑप्शन डी जो है यही हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 157 है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसमें यह ऑप्शन या तो एक है, एक से अधिक है या ज्यादा है। देखिए बीपीएससी पीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन 158 नंबर है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था राजस्थान में। 159 नंबर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951 और 2 अक्टूबर 1952, तो ये है 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? तो 1952 नंबर है, 1952 है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
फिर से वही 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 165 नंबर क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया, इसका रास्ता तैयार किया गया तो यह पंचायती राज संगठन के लिए था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, सरकार की कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनतम परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों में गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से था तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा वृद्धों और निसहायों को प्रदान की जा रही है राशि के अतिरिक्त केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रतिमाह 75 रुपए दिए जा रहे हैं। तीसरा कथन है, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक कीमत की आधे से भी कम कीमत पर प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, तो एस के डे। क्वेश्चन नंबर 165 है, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य, तो ऑप्शन डी है, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 166 है, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाली सभी भूमिहीन श्रमिकों को, ऑप्शन बी हो जाएगा 166 का। क्वेश्चन नंबर 167 है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कुमाऊ सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। और तीसरा है, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 168 है, आम आदमी बीमा योजना यानी AABY को प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन डी है, 2 अक्टूबर 2007 को। क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रस्तावित करेगी तो मातृ बाल स्वास्थ्य परियोजना को, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना। क्वेश्चन नंबर 170 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो पहला कथन है, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के साथ लाना, सही है। गर्भावस्था के प्रारंभिक सूचन के लिए गर्भावस्था प्रशिक्षण की किट प्रयोग करना, सही है। तीसरा है, पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना, ये भी सही है। बच्चे का प्रसव कराना ये नहीं होता है, 1, 2, 3 हो जाएगा, प्रसव कराना डॉक्टर करना, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 171, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को करते हैं, यह कहते हैं आशा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ तो 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, तो यह हुआ था 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 173 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो यह किया गया था 10वीं हुआ था 2002 से 2007 में। 174 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो ये है, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी बी सी डी है, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक परिक्रात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, सही है। दूसरा है, तीसरा है, पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम का मुख्य घटक है, सही है। राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया, तो ये भी सही है, तो बी सी डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, तो वही सही है। 175 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसका वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर के संबंध में 2012 तक 28 प्रति 1000 जीवित जन्म का लक्ष्य था, अतः इस संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इसी देखिए शायद कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, 2011 का था। क्वेश्चन नंबर 176 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी, तो यह हुआ था 1983 में। 177 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए पाइलाइट परियोजना का प्रारंभ किया गया, तो यह है 1948 में। अगला है, निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो यह है देखिए, गांव का विकास, मलिन बस्तियों, निम्न आय समूह, तो यह ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 179 है, शौचालय क्रांति, तो शौचालय क्रांति क्या है, गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी योजना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 180 है, समेकित बाल विकास सेवाएं
नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन सी है, वर्ष 1975 में। 181 नंबर क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है, परिवार नियोजन। क्वेश्चन नंबर 182 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। क्वेश्चन नंबर 183 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी IGNOAPS इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन एक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र होंगे, तो नहीं। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत प्रति वृत्ति भोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमा 300 रुपए की दर से देय है, इस योजना में राज्यों से भी समान राशि देने के लिए आग्रह किया गया है, तो देखिए दोनों ही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक और नहीं दो। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ किया गया, यह वर्ष 1995 से 2007 तक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी 65 वर्ष 1 अप्रैल 2011 से आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है, या इससे अधिक आयु के वृद्ध 200 रुपए प्रतिमाह दर से वृद्धावस्था पेंशन पात्र हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकारें भी अपना योगदान दे सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2011 से इस योजना में 80 वर्ष से या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, तो यह ग्रामीण नगरी जनसंख्या को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी है, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन बी है, सामाजिक वानिकी। अगला क्वेश्चन है, शहरी विष्टि उद्यम, दूसरा शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, तीसरा है आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है, तो यह जगह नेहरू रोजगार योजना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है, ट्राइसेम अगस्त 1989, NREP अक्टूबर 1980, JRY 1995, तो देखिए JRY 1995 नहीं बल्कि 1989 में था, तो यही गलत हो जाएगा, JSGSY 1999 अप्रैल, तो सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी गलत होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और MG नरेगा 2003 नहीं बल्कि 2005 है, और आम आदमी बीमा योजना 2007 सही है, तो ऑप्शन सी गलत है, तो ये सही हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए, तो कौन सा नहीं बताना है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये सही है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सही है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष तो यही गलत है, तो यही हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 191, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है, तो यह हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 192, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 193, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई है, तो ऑप्शन डी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 194 है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है, तो यह है ऑप्शन सी, 2015 से 2022। क्वेश्चन नंबर 95, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता, तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सस्ते आवास उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, राष्ट्रीय आवास योजना यानी RAY का मुख्य उद्देश्य है, तो यह है भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना, मतलब जो कच्चे मकान है उसे मुक्त करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य है, तो यह है मलिन बस्तियों से मुक्त करना, मलिन बस्तियों को, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की मुख्य शुरुआत की है, तो यह है ऑप्शन डी, 2022। क्वेश्चन नंबर 199 है, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम, तो उसका नाम हो जाएगा धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी सही है, धनलक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 200 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था, तो यह किया गया है 2004 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में
एसटी एससी पिछड़े और ओबीसी सेक्स वर्कर महिला ढोने वाले आदि परिवारों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों जहां महिला साक्षरता तथा शैक्षणिक जेंडर गैप राष्ट्रीय स्तर पर कम था में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए किया गया था। 1 अप्रैल 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 201 है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास, तो ये संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, गर्भावस्था और प्रसूति से हेतु प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना, तो ये नहीं है, बाकी एक और दो सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सही को सभी को उपलब्ध कराना है, तो 2007 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नवीनतम केंद्रीय बजट 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करोड़ रुपए निर्धारित धन है, मतलब कितने करोड़ रुपए हुआ था, 10,041 करोड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो जाएगा तो प्राथमिक स्तर तक के लिए, ऑप्शन ए। वर्ष 1995 में मध्यान्ह भोजन योजना चलाई गई प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु, तो यह हो जाए प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब आरंभ हुआ, तो ऑप्शन ए 1995 में। मध्यान्ह भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो यह की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्न में से कौन मध्यान्ह भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी है, ठेकेदार नहीं करता है, बाकी स्कूल मैनेजमेंट पंचायती राज संस्था स्वयं सेवा समूह सब करते हैं, ठेकेदार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ तो 1995 में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन बी सन 2000। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, तो कथन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना का उद्देश्य है। देखिए दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 213 नंबर, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ, तो यह ऑप्शन बी है 1994 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम भारत में वर्ष 2009 से 2010 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, तो यह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 216 है, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो ऑप्शन सी है, वर्ष 2019 तक। 217 नंबर है, स्वच्छ भारत मिशन को भारत में प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन बी है, अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था यह संबंधित है, तो यह है जनजाति युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 219 है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहते हैं, तो यह है 15 सूत्री कार्यक्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, तो ऑप्शन सी है, अल्पसंख्यक मामलों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है, तो राष्ट्रीय महिला कोष है, ये हो जाएगा निर्धन महिलाओं की डीडी संबंधी, और महिला समृद्धि हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को बचत प्रोत्साहन, इंदिरा महिला योजना हो जाएगा महिलाओं की शक्ति संपन्नता, महिला संख्या समाख्या योजना, तो यह है महिला समानता के लिए शिक्षा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 4312। अगला क्वेश्चन है, 222 नंबर, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई, तो ऑप्शन बी है 1993 में। 223 नंबर क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1981 अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, यहाँ पर कुछ चुका हुआ है, वेट कर लेते हैं। वर्ष 1981 अंतरराष्ट्रीय मनाया गया है, तो विकलांगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए, गरीबहीनों के लिए या स्त्रियों का, तो ये है ऑप्शन ए, विकलांगों के लिए। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 225 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन डी 8 सितंबर है। फिर है विमेंस डे यानी नारी दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 20 मार्च। विश्व अभियोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 15 मार्च को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन दिवस तो यह मनाया जाता है 1975 में शुरू हुआ था। बंधुआ मजदूरी पर रोक पास कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। अब इसे बताना है कारकों में से कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आधुनिक विकास विज्ञान, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक समृद्धि। तो ये सभी के लिए था, चारों को माना जाता है। 232वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? तो यह है ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का अर्थ का प्रबंधन संचालित करती है? तो यह करती है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय कर उपकर की संतुष्टि की है? तो यह निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने। चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 235 नंबर है निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है? तो 2008 में। निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है? तो यह है 1.09%। अगला है राष्ट्रीय बाल कोष स्थापना की गई तो यह है 1979। हाल में वर्ष 2013 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है? यह ब्याज दर है तो यह है 7%। फिर है 239 नंबर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यह है ग्रामीण रोजगार SJSRY, यही नहीं है, बाकी ये 1997 में प्रारंभ हुआ था शहरी बेरोजगारी के लिए, बाकी सही है। 240 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है तो यह हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 241 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, होटल तथा रेस्तरा, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान। इसे बताना है कि उपयुक्त कथनों में से किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो ये है सभी है। अगला क्वेश्चन है करपात का संबंध है तो यह है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। अगला क्वेश्चन है करपात का स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित अधीन कार्य करती है तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। फिर है आधार एक कार्यक्रम है तो यह है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे आप ग्राम तेवल्ली से संबंधित करेंगे जो सितंबर 2010 में चर्चा में था? तो यह आधार परियोजना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 246 है निम्नलिखित में से कौन सा गांव UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है? तो यह है तेलंबी नंदूरबार महाराष्ट्र में। कथन और कारण है संपत्ति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि गरीबी निवारण कार्यक्रमों के में व्यापक परिवर्तन के लिए किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास के कोष अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्त हेतु की गई थी? तो यह होता केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो यह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा लक्ष्य निर्धारित किया, तो ऑप्शन बी है वर्ष 2015 तक। 252 नंबर क्वेश्चन है भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है तो प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन से। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी की लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने प्रतिशत व्यय भारत भार वहन करेगी? तो यह है 68%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन है विजन 2020 फॉर इंडिया, तो यह था आर्थिक विकास से। क्वेश्चन फिर विजन सी है, विजन 2020 है तो यह है भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनियंत्रण तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। क्वेश्चन नंबर है 257 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था? तो यह किया था APJ अब्दुल कलाम के लिए किए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन भारत तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। 258 नंबर क्वेश्चन है पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षा कार्यक्रम को
सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन ए। फिर प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो यह है केंद्र तथा राज्य सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों का, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार औद्योगिक विकास विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित किए गए केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रम, केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा तथा निजी उद्यमों जिनमें कम से कम 500 पंजीकृत कर्मचारी हैं के बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है 259 क्वेश्चन। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए घटनाचक्र पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो घटनाचक्र सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बाकी यूपीपीसीएस, बाकी जितने स्टेट पीसीएस हैं सबके लिए है और आरओ एग्जाम के लिए भी है, इसमें आने वाला भी है, इसमें बीपीएससी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।